30 साल पहले आई फिल्म सनम बेवफा में सलमान खान की खूबसूरत हीरोइन बनकर चांदनी उर्फ निवेदिता शर्मा ने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को चुरा लिया था, क्योंकि इस फिल्म में उनकी बेमिसाल खूबसूरती वाकई देखने लायक थी। पर बाद में वो 10 फिल्मों में काम करके गुमनामी की जिंदगी जी रही थी, इसीलिए वो कभी लाइमलाइट में नजर नहीं आई। लेकिन अब चांदनी पर चढ़ी वो धूल आज साफ हो गई है, क्योंकि वो एक बार फिर लाइमलाइट में दोबारा आ गई हैं, जिनके आने की खुशी से दर्शक फूले नहीं समा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रही हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इस खूबसूरत एक्ट्रेस के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की सुपरहिट फिल्म सनम बेवफा की खूबसूरत हीरोइन चांदनी उर्फ निवेदिता शर्मा सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब है। अपने करियर को अलविदा कहने वाली चांदनी को 27 साल से भी ज्यादा वक्त बॉलीवुड को छोड़े हुए हो चुका है। 27 साल के इस लंबे अरसे में चांदनी पर लगी वो धूल अब साफ हो गई है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर उसी गुमनाम चांदनी की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में चांदनी इतनी ग्लैमरस दिख रही है कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही चांदनी है जिसे हमने एक समय पहले ऐसे ही खूबसूरत से पर्दे में ढकी हुई देखा था। जी हाँ दोस्तों, 27 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी चांदनी की खूबसूरती पर वक्त ने कोई सितम नहीं ढाया है। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी अपनी डेब्यू फिल्म के वक्त थी। दरअसल उन्होंने हाल ही में फैंस को नए साल की बधाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं और अपने पोस्ट में लिखा है बाय बाय 2021 और हाय 2020। इसके साथ ही उन्होंने जो अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। एक तस्वीर में चांदनी कट शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है, खुले लंबे बालों में बेहद ही मॉडर्न नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो अपनी दोस्त के साथ नजर आ रही हैं। इन दोनों ही तस्वीरों में वो गजब की दिख रही हैं, जिस पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ करते थक नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1991 से लेकर 1996 तक चांदनी ने करीब 10 फिल्मों में काम किया था, लेकिन कोई भी फिल्म उनकी पहली फिल्म सनम बेवफा की तरह कामयाब नहीं हो पाई। बॉलीवुड में फ्लॉप होने के बाद चांदनी ने अमेरिका में रहने वाले सतीश शर्मा से शादी की और हमेशा हमेशा के लिए वो अमेरिका में ही बस गईं। उन्होंने बॉलीवुड को बरसों पहले ही छोड़ दिया था और अब वो अमेरिका में रहकर अपनी डांस अकेडमी चलाती हैं। अमेरिका में चांदनी की वो डांस अकेडमी काफी पॉपुलर है, जहां बहुत सारे अमेरिकन बच्चे उनसे डांस सीखने आते हैं। आपको बता दें कि भले ही चांदनी बॉलीवुड में गुमनाम है, लेकिन अमेरिका में वो काफी मशहूर है और तो और दो खूबसूरत बेटियों की माँ भी बन चुकी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इतने सालों बाद अपनी खूबसूरत एक्ट्रेस चांदनी से मिलकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।